अभी बुला बन रहा। ये हमारा हॉस्टल का रूम था, देखो वॉल आर्ट देखो मस्त बना रखी है, ये पूरे हॉस्टल में बना रखे हैं। कैट बच्चे को बैठा के मस्त था ये भाई, दो दिन रुके थे यहाँ पे और प्राइस भी सही था इसका, 200 रुपये पर बैड। ये देखो ये हरामी इंसान दो, मेरे हरामी दोस्त, एक छुप रहा है कोने में, दूसरा उसको साथ दे रहा है। चलो भाई चलते हैं, अभी रोड पे मिलेंगे। यहाँ पे रुक रहे थे, वॉल आर्ट मस्त बना रखी है। उसके बाद द ग्रेट सिटी भी है, ट्रेन सिटी फिर वाला। अभी अपने नोमैडिक हॉस्टल से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम माउंट आबू। अभी तो उदयपुर की गलियों में घूम रहे हैं। नोमैडिक हॉस्टल अगर कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है, मस्त है हॉस्टल का। 200 पर पर्सन वो था हमारा तो रुकने का, बाकी डिपेंड करता शायद अगर महंगा आगे हो तो बात कर सकते हैं आप। पहाड़ों का व्यू स्टार्ट हो गया, अभी इसी के लिए तो इतने दूर आए हैं माउंट आबू। अरे रे 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 कावासाकी जा रही थी एक। वंदे पर्वत, हाँ 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 मैं बठिंडा, आप कहाँ जा रहे हो? माउंट आबू? अच्छा बढ़िया है। चेक करने निकला था। अच्छा सर्विस पे डाली। बढ़िया, कहाँ कुछ बड़ी प्लान कर रहे हो क्या? गाड़ी? बड़ा प्लान कर रहे हो क्या कुछ? देखो भाई कावासाकी निंजा वाले एक्सपर्ट्स को पूछते हैं, इतना रोड पे इसका प्रेजेंस है, जिसको ज़्यादा शौक है वो ले सकता है वो भी, पर इतना वो नहीं कर पाएगा जैसे वो ड्यूक पे निबानी बिल्ली घूमते रहते हैं, छपरी लोग बिल्ली वगैरह मारते हैं, जो सीखना तो है वो भी मेरे को भी वैसे, पर मारनी वगैरह नहीं है ऐसे रोड पे तो नहीं मारनी। अरे अंकल भाई, अंकल और आंटियों से और बच्चों से रोड पे बच के रहो, कभी भी कहीं भी कूद जाते हैं बिना टेंशन। ऐसे ही रोड है भाई चलाने, बाइक चलाने के लिए तो ऐसा रोड और मौसम मज़ा ही आ जाता है। बादल भी मस्त बन रखे हैं, पहाड़ियाँ भी हैं इस साइड पर थोड़ी थोड़ी, सब कुछ मिल जाएगा इस साइड तो। व्यूज़ ही व्यूज़ हैं यहाँ तो भाई, हरियाली ही हरियाली स्टार्ट हो गई। कल तो भाई बाघ वगैरह क्या दिख गए हम, बाहर निकल गया भाई दोस्त स्कूटी वाला, उसका वेट कर रहे थे। देखो भाई पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है यहाँ तो, पहाड़ भी मस्त से लग रहे हैं अब तो। ये देखो इधर इतनी ग्रीनरी, इतना ग्रीन है देखो, ये साउथ इंडिया जैसे लग रहा है जो वीडियोस में देखा है, मुन्नार वैली टाइप पूरा ग्रीन, इतना ग्रीन इतना ग्रीन, ये देखो चमक रहा है भाई। टोल प्लाजा पे रुके थे, 40 किलोमीटर हो गया था, थोड़ा ब्रेक लिया, गोलगप्पे खाए, पानीपुरी, दही गोलगप्पे खाए, इतने अच्छे नहीं थे, दही गोलगप्पे भी ट्राई किए, अपने पंजाब वाले बराबर ही नहीं कर सकता भाई, कोई अलग ही टेस्ट होता है यहाँ का, पता नहीं क्यों।
बताओ भाई, खा के बताओ। खाओ नहीं, मिड रोड नहीं। ये देखो भाइयों का प्यार देखो, अपने मुँह में डाले गए हैं, डाल रहे हैं। खिला दे भाई, क्या नाटक कर रहे हो? कैसा है खाने में भाई? भाई मेरी बात, पानी पूरी खिला दे। वहाँ की बराबरी नहीं कर सकता भाई पंजाब वाली। मज़े नहीं आता खाने में। अभी चलते हैं दोबारा, आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे रोड पे दोबारा। ये देखो भाई प्लेन्स, तो पहाड़ टाइप के हैं पर ऊपर इतनी ग्रास हो रखी है, देखो हरा हरा हो रखा है, बादल भी हो रखे हैं भाई। तो ऐसा सामान निकालना पड़ेगा अपना बारिश के लिए। छोटी सी आ गई साथ में, नदी भी चल रही साथ में, जंगल ही है पूरा ये तो। ये तो हल्का हल्का बारिश है क्या? लग रहा बारिश आएगी, बारिश वाली फील आ रही है। यही दिक्कत है रोड की, देखो यहाँ भी बैठी गई है। हैं? नहीं दिखा भाई मेरे को, कहीं आगे रोक। हैं? हाँ मेरे को भी ठीक है, सही है। आ चुका हूँ दोबारा, उसको स्कूटी पे बैठा के, मैंने रेणगी ने पहनने लग गया, वो निकल गया आगे स्कूटी पे बैठ के। अरे भाई क्या ही व्यू है यहाँ से, क्या ही खाली खाली लग रहा है। जब वो बैठ के चला रहा था ना तो उसके पैर लग रहे थे, ये पारस से भी लंबा है। जैसे स्पीति में मेरे को हल्की हल्की दिक्कत हो रही थी उसको चलाते हुए गियर पहन के, इसको इसने भी घुटने वाला पहन रखा है पर ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा लंबा है, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को। पता नहीं व्यू कैसा आ रहा है, तो मेरे को तो मस्त दिख रहा है वो सामने से। सामने वाला व्यू तो भाई मस्त, माउंट आबू वाला ये रोड तो मस्त ही है भाई। केरला टाइप का लग रहा था, मेरा दोस्त बोल रहा था वो जाके ही आया उस साइड पे, घूम के आ चुका है उस साइड में, उसको लग रहा था। ये तो ऐसा लग रहा है कुछ गुजरात के वगैरह पहाड़ से नहीं है जो गुजरात में आ गए, गुजरात के पास ही है ना बॉर्डर लगा शायद, इसलिए हरियाली तो भाई बढ़ रही है यहाँ पे, मस्त लग रहा है। तो बाइक भी भगाने में सही है रास्ता, पर भाई गायों का ध्यान देना पड़ता है, कितनी गायें हैं रोड पे, गायें ही गायें हैं भाई, गायें से बच के जाओ बस, बाकी सब सही है यहाँ पे अभी तक तो। रोड भी ठीक है,
ऐसे रोड आए थे ना, मस्त लगते हैं, ये फील देते हैं। अच्छी गाँव है डांगा, डांगा आगे डांगा कहाँ जा रहा है ये। अभी खाना खा गए चले हैं, कोई रेस्टोरेंट था और खाना इतना फीका था, पता नहीं शायद गुजरात बॉर्डर लगने लग रहा है बस। अभी 150 किलोमीटर दूरी है गुजरात, तो मीठा मीठा शुरू हो गया। वो दाल तो बिल्कुल फीकी थी भाई, बिल्कुल फीकी, क्या ही कहे। अभी टंकी फिर फुल करवाई है, 800 का तेल आया दोबारा। अभी तक मेरा 16, 9, 25, 8, 3300 का फिल लग गया है, मतलब अभी 13 लीटर पड़ा है, फुल किया मैंने अभी। सामने वाले पहाड़ 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 भाई, माउंटेन्स देख के मन ही नहीं भरता, क्या ही करें। बस 40 किलोमीटर रह गए वो मंदिर साइड, पहाड़ी बन रखा है मंदिर। मिले और आगे फिर निकल गए, मैप का मेरे को पता ही नहीं चलता। अच्छा आगे से घूम के, अरे भैया यू टर्न होना रखा क्या, सही यही था भाई, सही था मैं, मीन्स आई वॉज राइट। अरे रिवर क्रॉसिंग आ गई गूगल मैप, अरे खड्डे हैं क्या, जा सकती है गाड़ी, आना भी आना साथ में, आना इधर ऊपर आना। डर लग रहा है यार, बहाव ज़्यादा तेज है, पकड़ोगे यार इस साइड आना। क्या कर दिया भाई, यहाँ से निकाल रहा था, दो दो ढाई ढाई फीट पानी था। ये देखो जूते सॉक्स उतार दिए, नीचे जूते बिल्कुल गीले। आदमी बोल रहा था सिंपल बाइक नहीं निकालते हमें, तो देखो वो एक पीछे खड़ी है, किधर खड़ी है वो सामने। अभी चलता हूँ आगे, नरेंद्र अभी दूसरे रूट से निकल गए होंगे। जो होना था हो गया, निकलते हैं। मिजरी और राजस्थान ट्रिप, एक नदी पार करी है,
पूरी 2-2.5 फिट डूब गया था भैया, क्या ही एडवेंचर करके आ रहा हूँ। फट गई थी, ऐसे लग रहा था कि नदी में बह जाऊँगा साथ में ही। फिर बड़ी मुश्किल से बंदे ने हेल्प करी, वहाँ से थोड़ा निकला। अभी वापस जा रहा हूँ, उन्हें इधर उधर की स्कूटी तो पीछे रह गई थी, वो कहीं आगे गांव से निकल गए हैं, मैं हाईवे से जा रहा हूँ वापस, हाईवे पर को पकड़ रहा हूँ दोबारा। अरे क्या ही हो रहा है भाई। बंदा बता रहा था इस ब्रिज के ऊपर से भी पानी जा रहा था कुछ दिन पहले, इसको भी बंद कर दिया था भाई। इतना पानी कहाँ से आया था भाई, ये तो कितना नीचे है पानी, शायद ऊपर से नहीं जा रहा होगा ज़्यादा, हो गया होगा पास। बंदा तो वो दे रहा था कि हमें वार्निंग कि लेपर्ड वगैरह भी हैं, ध्यान रखना। मेन रोड पकड़ी है हमने, उसकी मेन रोड माउंट आबू की मेन रोड, ये तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेलकम। ये तो पूरा रोड ही ऐसा 20 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, आधा घंटा लग जाएगा लगभग, 40 मिनट बता रहा है। अरे कॉमन लंगूर भी हैं यहाँ पे, तेंदुए भी हैं, और वाटरफॉल तो है ही। एक बंदा जो जिससे नारियल का पानी पिया हमने, वो बता रहा था बंदा। देखो अब मज़ा आ रहा था रोड पे, थोड़े रिस्की भी लग रहे हैं अब, मज़ा भी आ रहा था। ये रूट थोड़ा ना ज़्यादा ही इधर उधर बना रखा, जैसे शिमला वाला तो 4 लेन है, मनाली वाला थोड़ा चौड़ा है ऐसे, ये पतला। धर्मशाला वाला भी, हाँ धर्मशाला वाला कुछ हद तक ऐसा है, पर ये ज़्यादा ही लूप बना रखे इन्होंने, ये जो लूप बना रखे हैं ज़्यादा ही हैं कुछ। बंदों से क्या हुआ भाई, ग्रीनरी देखो, पहाड़ देखो, अरे मस्त है यहाँ वाले तो, मस्त पहाड़ है, ग्रीनरी ग्रीनरी। रोड थोड़ा इधर उधर है बस, बैरिकेड यहाँ पे पुलिस भी दिखी मेरे को पहली बार ऐसे, बैरिकेड्स पीछे भी थे, नहीं तो पूरे राजस्थान में एक दो जगह दिखी है मेरे को। एक साइड वाला राजस्थान कवर कर रखा, कर दिया मैंने ट्रिप पे आते आते। बाघ हिरन और लंगूर तो हैं ही, मतलब होता कई बंदे गाड़ियों से बाहर निकल के ऐसे वीडियो बना रहे हैं इस साइड, उस साइड तो जो पहाड़ी साइड तो बनना, उस साइड कोई गाड़ियाँ इकट्ठा हो देगी फिर। खुद भी नुकसान पहुँचाएंगे, खुद को भी दूसरों को भी। रिस्की काम करने से अच्छा तो आराम से नीचे खड़े होकर बना लो, अगर कैमरा माउंट कर लो, फ़ोन माउंट कर लो, सब कुछ मिल जाता है आजकल तो। ये वही पहला वाटरफॉल आया, वहाँ रह गए अपने बंदे। सात किलोमीटर रह गया माउंट आबू पहुँचने से, एक और आया था झरना, निकल गया। चार किलोमीटर से एक बस से भी चल रहे थे, बड़ी मुश्किल से आगे निकले हैं, 20-25 ऐसी स्पीड पे आए हैं। 3 किलोमीटर रह गया अभी, पैर का बाजा बच गया मेरे। थर्ड सेकंड, अभी भी थर्ड पे ही है। Thank you.
चल की चल। अब यहीं लोकल घूमने जा रहे हैं, माउंट आबू। माउंट आबू कौन सी लेके जा रहे हैं भाई? उदयपुर घूमने जा रहे हैं। माउंट आबू भाई, माउंट आबू सर। कौन सी लेके? ये है नक्की झील। नक्की झील पे जा रहे हैं भाई। नक्की मीन्स फाइनल झील। नक्की 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 का नाम फाइनल होता है, फाइनल झील। हाँ आपको नहीं पता क्या हिंदी हिंदी के हिंदी की मीनिंग है सर? ओके सर, मैं तो भाई अंग्रेज डाइट हूँ, मुझे तो नहीं पता भाई। अंग्रेज बोलते तो भाई सुन इंग्लिश एक्सेंट में बोलते फिर भी याद आ जाता है। नक्की झील हमारा देसी अंग्रेज एक और है, देसी जट है वो फेक जट आ रहा है। क्या भाई पनीर की बात कर रहा हूँ सर? पनीर ही खाते हैं सर, वेजिटेरियन है हम। गाय तो बहुत ज़्यादा देख ली रोड पे। अरे ये देख पाइन एप्पल है, ये खाएंगे तो चाय ही लिख रहा है उसमें। देखो ये भी खा गया, देख ये चाय पे आए हैं, चाय पे आए हैं और हमें तो ठीक ठीक लग रही है। इतनी अच्छी लग रही है इस कौन सा बोला पीके? देखो आपको अच्छी लग रही है, आपको पीके बताओ सर। ये थोड़ा रिव्यू दो पीके तो दिखाओ, पीके तो आपके जन्म में यही है। एक तो गंगा स्नान कर लो पाप उतर जाते, एक ये चाय पी लो पाप उतर जाते। ओ भाई पीके दिखाओ ना एक बार। अरे सर आपके आपके लेवल से भी ये तो थोड़ी ज़्यादा अल्टीमेट लेवल की चाय है। अदरक आ रही है मुँह में बस भाई। जन्नत भाई जन्नत जन्नत चला गया जन्नत में जा रहा है अभी। ठीक ठाक है भाई, इतनी ओवर हाइप है थोड़ी चाय, ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ओवर हाइप ही है। अच्छा रहेगा, अच्छा व्यू आएगा। शेक पार्टी चल रही है अभी।